morning, students. I am faculty, software faculty Anil Kapoor from our YouTube channel, Heart and Skill Center, near fountains of Yamuna Nagar, Center Court 034. So previous lectures में हमने discuss किया था what is C language. सी लैंग्वेज किस तरीके से काम करती है, लैंग्वेजेस के टाइप्स हमने डिस्कस किए थे. आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी प्रोग्राम को सी सॉफ्टवेयर में कैसे रन करते हैं. तो देखिए, यहाँ पे आपको ये स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर नजर आ रहा होगा. मैं इसको अगेन आपको एक बार खोल के यहाँ से दिखा देता हूँ. आप यहाँ से टर्बो सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर आप क्या करोगे, ओपन करोगे. लेकिन सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपको ये सॉफ्टवेयर जो आप देखो, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये टर्बो सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए. आफ्टर दिस, उसके बाद आप क्या काम करोगे, इस सॉफ्टवेयर को आप ओपन करोगे. इसको आपने ओपन किया, अब यहाँ से देखिए, इसमें आपको एक आपके पास कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा. यहाँ ये देखिए, आप देख रहे हैं टर्बो सी प्लस प्लस लिखा हुआ है. अब आप यहाँ पे क्या काम करोगे, स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस से आप क्लिक कीजिए. एक्चुअली सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर से हम सी के प्रोग्राम भी हम रन कर सकते हैं. तो देखिए, सी आप सी जो आपकी सी की जो विंडो होती है, स्टार्टिंग विंडो होती है, वो ओपन हो जाती है. अब हमें इसमें क्या करना है, एक नया प्रोग्राम मेंटेन करना है, नया प्रोग्राम आपने बनाना है. तो आप किस तरीके से बनाओगे, देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए फाइल मेन्यू आपको यहाँ पे नजर आ रहा है. आप यहाँ पे इसमें माउस से भी आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑल्ट के साथ आप यहाँ पे क्या करोगे, आप ऑल्ट के साथ एफ प्रेस करोगे. आप यहाँ से आप आ जाइए न्यू पे. तो जैसे हम देखिए न्यू पे हम क्लिक करते हैं, आपके पास एक ब्लैंक स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो जाएगी. आप स्क्रीन को जूम करना चाहते हैं, आप F5 प्रेस करके आप अपनी स्क्रीन को आप जूम कर सकते हैं, ठीक है जी. तो अब देखिए, इसमें हम एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाएंगे, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, जिससे आप सी को समझ सकोगे इजिली कि किस तरीके से हम इसके अंदर प्रोग्राम को रन करते हैं. तो सबसे पहले देखिए, इसके अंदर हम एक कमेंट्स यूज करेंगे. आप जो भी कमेंट्स मेंशन करोगे, वो स्टार और स्लैश के साथ आप कमेंट मेंशन करोगे. यहाँ पे आपने क्या लिखा, ए सिंपल प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, ठीक है. तो मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, कमेंट. कमेंट देना कोई जरूरी नहीं है, आर ऑप्शनल. आप दो या ना दो, इट जस्ट ये क्या काम करता है, इट जस्ट डिस्क्राइब, इट जस्ट डिस्क्राइब अबाउट द प्रोग्राम. ये हमें प्रोग्राम के बारे में बताते हैं. इसमें नेक्स्ट हम जो आगे डिस्कस करेंगे, इसमें सबसे हम लिखेंगे हम हैश इंक्लूड. फ्रेंड, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया भी था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैश इंक्लूड. हैश इंक्लूड इज ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या काम करता है, गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर. ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है. और कंपाइलर के बारे में मैंने स्टूडेंट आपको क्या बताया था, कि कंपाइलर क्या एक प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट हम इसके अंदर यहाँ पे हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ. अगर स्टूडेंट आपको देखिए, अभी भी जो दो लेक्चर्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, तो मैं अगेन यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ कि हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड इज ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. इट गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर. तो ये क्या करता है, कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है. अब आपके पास आ जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाइलर. ए कंपाइलर इज ऑल्सो ए प्रोग्राम विच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इंटू मशीन लैंग्वेज. जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. तो कंपाइलर का काम क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, जिसके अंदर हम हाई लेवल लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड, जिसके अंदर आप प्रोग्राम को राइट करते हो. और मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, मशीन लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है. अब हमें अपनी बात अगर कंप्यूटर तक पहुंचानी है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है स्टूडेंट, दैट इज द मशीन लैंग्वेज. और हम जो प्रोग्राम लिखेंगे वो हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे. तो इसमें हेल्प कौन करेगा, हमारी बात कंप्यूटर तक समझाने के लिए कंपाइलर. ओके, और अब जो हमने इसमें यूज किया है stdio.h,
इट मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट, टेंशन नहीं लेनी आपको, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा. स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. अब ये हेडर फाइल, दीज आर द हेडर फाइल्स. स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट हेडर फाइल्स हम यूज करते हैं, और इन हेडर फाइल्स को यूज करने का बेनिफिट क्या होता है, इन हेडर फाइल्स को हम किस लिए यूज करते हैं, कि इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं. अब प्री डिफाइंड फंक्शंस कौन कौन से होते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा. फिलहाल अभी हम चलते हैं कोनियो डॉट एच के अंदर. कोनियो डॉट एच का मीनिंग आपके पास क्या होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. तो ये भी एक हेडर फाइल का आपके पास एक टाइप होता है. एक स्टूडेंट, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो कैसा लगा, आप इसके ऊपर कुछ कमेंट्स नहीं करते, आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा. इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसके ऊपर, चैनल के ऊपर आप कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि हम आपके लिए आगे फ्यूचर्स में आपके सुझावों के साथ इस वीडियो को आगे लेक्चर्स को और इम्प्रूव के साथ बनाएं हम, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए. अब हमने इसमें क्या यहाँ पे यूज किया, वॉइड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए वॉइड. वॉइड क्या होता है, इज ए डेटा टाइप, मेन इज ए फंक्शन नेम. जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, पैरेंथेसिस हम यहाँ पे यूज करेंगे, कर्ली ब्रेसेस हमने यहाँ पे यूज किया. clr str इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन. तो clr str का मतलब क्या होता है आपके पास, क्लियर द स्क्रीन. ये स्क्रीन किस तरीके से क्लियर करती है, देखिए मैं अभी आपको इसके अंदर समझाऊंगा, बड़े आप ध्यान से देखिएगा. अब हमें अगर मान लीजिए किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, तो सी लैंग्वेज के अंदर हम किसी स्टेटमेंट को किस तरीके से प्रिंट करते हैं, हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज करेंगे. देखिए प्रिंट एफ फंक्शन का काम क्या होता है, इट इज यूज टू प्रिंट द स्टेटमेंट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या लिखा, जैसे हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, प्रिंट एफ, दिस इज द फर्स्ट टूर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट्स इट. तो देखिए एक हमने ये प्रोग्राम हमने जो है बनाया. अब आपने एक पूरा प्रोग्राम ये बना लिया, मैं कमेंट्स को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, मैंने कमेंट्स थोड़े ऊपर कर दिए. अब ये पूरा हमने कंप्लीट प्रोग्राम बनाया स्टूडेंट. अब आपने क्या स्टेप फॉलो करना है, देखिए अब आप क्या काम करोगे, आप फाइल पे जाओगे, या तो आप स्टूडेंट माउस का यूज करके आप फाइल पे जा सकते हो, नहीं तो सबसे बेटर ये है कि आप ऑल्ट की प्रेस कीजिए. ऑल्ट के साथ देखिए फाइल का कलर, एफ कलर जो है वो आपके पास यहाँ पे देखिए ये रेड हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऑल्ट के साथ एफ प्रेस करो. देखिए आपको सेव के लिए यहाँ पे क्या ऑप्शन नजर आ रही है, एफ टू, या सिंपली आप अपने कीबोर्ड से एफ टू प्रेस कर सकते हैं. और आप यहाँ पे सिंपली फाइल का नाम दे दीजिए. फॉर एग्जाम्पल मैं फाइल का नाम दे देता हूँ यहाँ पे फाइल वन. जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपका प्रोग्राम सेव हो जाएगा. स्टूडेंट अभी आप देखिए यहाँ पे अभी आपको क्या नजर आ रहा है, सीपीपी नजर आ रहा है. सीपीपी स्टैंड फॉर सी प्लस प्लस, ठीक है. एक सी प्लस प्लस का एक कंपाइलर, इसमें क्या होता है कि आप सी के प्रोग्राम भी आप क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो स्टूडेंट. नहीं तो अगर आप इसको डॉट सी से, आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसको सेव एज में जाके आप इसको आप फाइल वन डॉट सी से आप सेव कर देते, नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी आप इसमें आप यूज कर सकते हो. तो मैं अभी इसको एक सिंपली इसी तरीके से सेव कर देता हूँ. अब हम इस प्रोग्राम को हमने कंप्लीट कर लिया, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके बताऊंगा. तो आप प्रोग्राम को रन किस तरीके से करोगे, आप ऑल्ट के साथ देखिए आप यहाँ पे देखिए आप नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हेल्प के लिए हम F1 प्रेस करते हैं, अगर हमें प्रोग्राम को सेव करना हो तो हम F2 प्रेस करते हैं, अगर हमें प्रोग्राम को ओपन करना हो तो हम F3 प्रेस करते हैं, अगर इसी प्रोग्राम को हमें कंपाइल करना हो. कंपाइल का मतलब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अपने प्रोग्राम को चेक करना चाहते हो कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं है, ठीक है, अगर आपके प्रोग्राम में स्टूडेंट कोई एरर है या नहीं है, तो उसके लिए आप ऑल्ट F9 प्रेस करोगे. तो देखिए आप क्या कीजिए, ऑल्ट के साथ F9 प्रेस कर दीजिए. देखिए प्रोग्राम हमने बनाया, ये सारा आपको बता रहा है कि हमने फाइल 1.cpp को देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ये प्रोग्राम हमने कंपाइल की है. लाइंस कंपाइल बताइए कितनी लाइंस हमने कंपाइल की है, 471, जो टोटल जो स्क्रीन में जितनी भी लाइंस होती है. वार्निंग 0, एरर 0, सक्सेस है हमारा प्रोग्राम. अब इस प्रोग्राम को मैं रन कराऊंगा, तो रन के लिए स्टूडेंट आपने सिंपली क्या करना है, जैसे आपने कंपाइल के लिए ऑल्ट F9 प्रेस किया, रन के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल F9. रन के लिए आप कंट्रोल F9 प्रेस करोगे तो देखिए हमारे प्रोग्राम की आउटपुट आ गई, हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग. बट इसमें आप देख रहे स्टूडेंट जो हमारी ये आउटपुट आ रही है ना, ये आउटपुट एक ही लाइन में आ रही है, ठीक है ना स्टूडेंट.
ये जो आउटपुट एक ही लाइन में आ रही है, अब आपका क्वेश्चन ये आएगा जिस तरह अगर हमें ये आउटपुट न्यू लाइन में चाहिए तो हम इसके लिए क्या करें। तो देखिए फ्रेंड, इसके लिए भी सिंपल सा है कि आपने क्या करना है, आप एंटर प्रेस कीजिए। आप यहाँ पे क्या काम करेंगे, आप या तो फर्स्ट लाइन के लास्ट के अंदर आप यहाँ पे बैकस्लैश एन आप प्रेस कर दीजिए, या अगर आपको यहाँ नहीं लगता तो आप क्या काम कीजिए, सेकंड लाइन के स्टार्टिंग में आप आ जाइए, यहाँ पे आप बैकस्लैश एन प्रेस कर दीजिए। मैं स्टूडेंट आपको देखिए, मैं आपको बैकस्लैश आपने प्रेस नहीं लेना, आपको धीरे धीरे अभी स्टार्टिंग से आपका पहला प्रोग्राम है और मैं आपको हर एक चीज डिटेल के अंदर बताऊंगा आपने क्या करना है। देखिए बैकस्लैश एन हमने यूज किया इज न्यू लाइन करेक्टर, और ये किसके अंदर आता है, कम्स अंडर एस्केप सीक्वेंस। ठीक है जी, मैं प्रोग्राम को देखिए, आप अगर प्रोग्राम के अंदर कुछ भी स्टूडेंट आप चेंजेस करते हो तो आप F2 प्रेस करके उसको सेव कर लीजिए। अब आप क्या काम करेंगे, अगेन मैं प्रोग्राम को अब रन करता हूँ, कंट्रोल F9 में प्रेस करूंगा, तो देखिए अब जो आपकी स्टेटमेंट है वो न्यू लाइन पे आ गई। तो देखिए मैंने आपको बताया और ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, बहुत ही इजी वे है, हमने इसमें कुछ नहीं किया कि हमने स्टेटमेंट को हमने क्या किया, प्रिंट किया है। और स्टूडेंट जो अभी ऊपर एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि सर ये जो हमने हेडर्स फाइल यूज की है stdio.h, ये आपने कहा, आपने बताया नहीं इसके बारे में, तो मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो ये प्रिंट फंक्शन है एंड जो स्कैनर फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया स्टूडेंट, बोथ फंक्शन आर इन stdio.h हेडर फाइल। ये दोनों फंक्शन जो होते हैं वो इस हेडर फाइल के अंदर होते हैं। अगर ये दोनों फंक्शन इस हेडर फाइल के अंदर, तो सर हमने conio.h क्यों यूज किया, सर आपने conio.h सर हमने स्टूडेंट इसलिए यूज किया क्योंकि जो clrscr फंक्शन होता है और जो ये getcx फंक्शन हमने सबसे लास्ट में यूज किया है, बोथ फंक्शंस आर इन conio.h हेडर फाइल। ओके स्टूडेंट, सी में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना होता है कि ऑल स्टेटमेंट विल बी टर्मिनेटेड विद सेमीकॉलन। सी में कोई भी जो स्टेटमेंट है वो हम सेमीकॉलन से फिनिश करते हैं एक्सेप्ट मेन। देखिए मैंने कल भी आपको जो लेक्चर लिया था मैंने उसमें बताया था कि हम मेन के आगे सेमीकॉलन नहीं यूज करते, क्योंकि मेन जो हमारा फंक्शन है इट इज ए यूजर डिफाइंड फंक्शन और मेन के आगे हम कभी भी सेमीकॉलन यूज नहीं करते। बाकी जितने भी हम स्टेटमेंट यूज करते हैं उसके अंदर हम आगे सेमीकॉलन यूज करते हैं। सेमीकॉलन हम यूज क्यों करते हैं, देखिए स्टूडेंट सेमीकॉलन क्या काम करता है, सेमीकॉलन टेल्स द कंपाइलर दैट ए स्टेटमेंट हैज फिनिश्ड, ये स्टेटमेंट हमारी खत्म हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सबसे सिंपल प्रोग्राम है। ऊपर हमने देखिए, मैं एक बार अगेन इस लेक्चर में मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हमने जो यहाँ पे कमेंट्स यूज किए स्टूडेंट, कमेंट देना ठीक रहता है कि आप कौन सा प्रोग्राम बना रहे हो, ताकि जो प्रोग्राम को देखने वाले हैं उनको समझ में आ जाए। जैसे मैंने एक सिंपल एक प्रोग्राम लिखा जिसे मैंने यहाँ पे जो है स्लैश स्टार लगा के इसको एक्सप्लेन किया, आपको बताया कि मैंने सिंपल प्रोग्राम बनाया। उसके बाद हमने दो हेडर फाइल्स यूज की, stdio.h को हमने यूज किया प्रिंटर स्कैनर फंक्शन के लिए, और conio हेडर फाइल्स को हमने यूज किया clrscr और getcx फंक्शन के लिए। void हमने यूज किया, मैं void के बारे में भी देखो आपको यहाँ पे कमेंट में void क्या होता है स्टूडेंट, void is a data type और keyword। ठीक है, ये डेटा टाइप और एक कीवर्ड है। ठीक है, और मेन क्या है, मेन इज ए फंक्शन, कि हम कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर में जो है वो मेन से हम उसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस कंपाइलर की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि जैसे ये हेडर फाइल्स को क्या कर रहा है, जो है पीछे इसका जो देखिए ग्रीन कलर के बैकग्राउंड में शो कर रहा है, जितने भी ये डाटा टाइप तो कीवर्ड्स होते हैं ये सारे देखिए आपके पास प्रिंट क्या है, ये सारे देखिए आपके पास ये व्हाइट कलर के अंदर आ रहे हैं। जो फंक्शन है देखिए वो आपके पास ग्रीन कलर में आ रहे हैं, जैसे मेन हो गया, clrcr प्रिंट फंक्शन हो गया, getcx फंक्शन हो गया, ये सारे ग्रीन कलर के अंदर आ रहे हैं। और जो हमने पैरेंथेसिस यूज किए हैं स्टूडेंट, जो हमने कर्ली ब्रेसेस यूज किए हैं वो आपके पास देखिए येलो कलर के अंदर आ रहे हैं। अगर आप इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट आप प्रिंट करवाते हो स्टूडेंट, तो वो देखिए रेड कलर के अंदर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं।
तो इस तरीके से देखिए, मैंने आपको आपको पूरे प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया है। वीडियो के लास्ट में मैं एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज, अगर आप जो है फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्किल सेंटर यमुनानगर, सेंटर कोड 034। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल सके। और इस पर अगर आपको कोई कमेंट्स हैं, अगर आपको लेक्चर के बारे में आपको कोई कमेंट देना चाहते हैं तो वो मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। Thank you.